अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, बात करते हैं डीडी की और उसकी दोनों वाइफ की, और यहाँ पे जो डीडी की जो साली है उसकी भी बात करेंगे कि उसकी सारी बातें सच्ची साबित हो गई आखिर में। जैसे कि फातिमा ने मुद्दा उठाई थी शादी को लेके, ड्रामे की थी, रोना धोना की थी, और वो टाइम पे भी मुद्दा उठाई थी कि मेरे ससुर की शादी में हमें नहीं ले जाया गया। तो इसकी बहन ने वीडियो में बोली थी कि अगर मैं सच बोल दूंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद में ये बात पता चली थी कि उसकी बहन ने बताई है, सनिया की बहन ने बताई है कि फातिमा खुद आई थी रिश्ता लेके। वो खुद लड़की को देखने के लिए आई थी, वो घर को देखने के लिए आई थी, उसने सारा कुछ देख के गई है, सारा कुछ करवाने वाली वो खुद है। और जब इस बात के ऊपर हमने आवाज़ उठाए, हमने ये बात की है वाईटी पे, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था। बड़े तीस मार खान आए थे उसकी सपोर्ट में और बोल रहे थे कि ये इसके ऊपर केस करेंगी, दल्ले के ऊपर ये केस करेंगी, ये इससे अलहदा होगी, ये सऊदी चली जाएंगी, ये बच्चे भी छोड़ के चली जाएंगी, तो कभी बच्चे ले के चली जाएंगी। इतनी सारी कुछ बातें कर रहे थे। और ये पिटारा नंबर टू ने भी बोली थी कि हाँ मैं केस करूँगी, तो मैं डीडी को छोड़ दूँगी, तो मैं अकेली रहूँगी। और वो टाइम पे भी मैंने सेम आप लोगों को वीडियो पिटारा की बताई थी कि ये उसको पूरा पूरा कॉपी कर रही है। और मेरी वो सारी बातें आप लोग देख लो, सच्ची साबित हो गई। और जो सनिया की बहन है उसकी भी वो बात सच्ची साबित हुई कि ये रिश्ता करवाने वाली और निकाह करवाने वाली और लड़की देखने जाने वाली, सारा कुछ करवाने वाली ये फातिमा खुद है। इसने खुद ने ही डीडी की शादी करवाई, जो कि हम भी यही बोल रहे थे, और ये बात सच्ची भी साबित हो गई। अब देख लो कितना अच्छे से रह रहे दोनों, सौतने सौतने मिलके सौतन बनी सहेली हो गए है ना। कितना अच्छे से एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, और डीडी को भी कोई मसला नहीं है, बच्चों का भी कोई मसला नहीं है, दोनों सौतनों को भी एक दूसरे से अब कोई मसला नहीं है। कभी तो गोल्ड खरीदा जा रहा है, तो कभी घूमने जाया जा रहा है, तो कभी साथ में खाना खाने जा रहे हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या। खुशी खुशी बताती है कि रात के 9 बज गए हैं तो हस्बैंड उधर चले गए हैं, वो खुशी खुशी बताती है कि इतना टाइम हो गया है तो हस्बैंड उधर चले गए हैं। तो इस चीज़ का इन लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाई थी। अच्छा, एक बात याद है आप लोगों को कि यही फातिमा थी ना, इसने एक वीडियो बनाई थी जब डीडी की थोड़ी बहुत पोल खुली थी, तो इसने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर इसने बोली थी कि अगर मेरे पास में 7 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं कल फुर्र से उड़ जाऊंगी, मैं उमरा करने जाऊंगी। यही बोली थी ना इसने, मतलब कि अल्लाह काट खेलना और ये सारा कुछ करना इनके खानदान में है, इनके खून में है, इतने कोई ये घटिया लोग हैं। अब इसको जब ये कंट्रोवर्सी से पीक मिली और इसके पास में अच्छे खासे सपोर्टर हो गए और इसकी वीडियो अब अच्छी चलने लग गई है, और तो इसने क्या की, गई उम्रा के लिए। इस वीडियो में ये बता रही है कि अब मैं इतनी मतलब काबिल हो गई हूँ कि मेरे ऊपर कुर्बानी लागू होती है, फ़र्ज होती है, तो मैं कुर्बानी पहली बार कर रही हूँ। फ़र्ज होती है मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब ये इतने कुछ महीनों में ये औरत ने इतना कमा ली और लोगों ने इसको इतनी फंडिंग की है, इतनी हेल्प की है कि इसके ऊपर कुर्बानी अब फर्ज हो रही है। खैर, कुर्बानी कर रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बोल रही थी ना कि दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। याद है जब दीदी वहाँ पे रह रहा था तो ये बोल रही थी कि मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो मैं प्राइवेट में ऑपरेशन नहीं करवा सकती हूँ, तो मुझे इसकी उसकी मदद से सरकारी में ऑपरेशन करवाना है, तो ये गोली महंगी है ये मैं नहीं खाऊंगी, वो गोली सस्ती है मैं वो मंगाऊंगी, ऐसे कर करके सिंपैथी ले रही थी। अब अचानक से इतने पैसे कैसे आ गए? और देखो कि ये जब पैसा नहीं था तो ये उम्रा की बात कर रही थी कि मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं सबसे पहले उम्रा करने जाऊंगी, लेकिन इसने सबसे पहले क्या की, अपनी पलके नकली लगवाई, फेशियल करवाने जा रही है, बालों को कलर कर रही है, बाल स्ट्रेट कर रही है। मतलब के पैसे आने से लोग क्यों इतना गिरने लग जाते हैं, हाँ
मतलब इन लोग आहिस्ते आहिस्ते करके पर्दा छोड़ने लग जाते हैं, जैसे जैसे इनके पास पैसे आते जाते हैं वैसे वैसे ये लोग अपनी घटिया हरकतें दिखाने लगते हैं कि हम गिरे हुए लोग हैं। अबाया पहनने का मतलब इसका ये नहीं था कि ये पर्दा करना चाहती है, अबाया पहनने का मतलब ये था कि ये अच्छी नहीं दिखती है ना, तो ये पलके लगवा रही है, तो ये जाके फेशियल करवा रही है, तो बाल स्ट्रेट करवा रही है, बाल कलर करवा रही है। कहाँ तो इसने बोली थी कि मैं उम्रा करूंगी पैसा आने के बाद में, कहाँ तो ये पिटारा वाले रास्ते पे चली गई, जो जो पिटारा ने की थी वो सारा कुछ ये कर रही है। इसीलिए मैं शुरू से बोल रही हूँ इनके खानदान से कोई भी उठ के आए, रोना पीटना गाना लेके आए, उनको सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सपोर्ट के बाद इन लोग अय्याशियां करने लगते हैं, ना कि इन लोग जरूरतें पूरी करते हैं बल्कि इन लोग अय्याशियां करने लगते हैं। आप लोग देखो, इसने अपनी इतनी सी बच्ची के बाल कलर कर दी, मुझे इतना शौक लगा देख के कि अभी इसकी क्या उम्र है जो ये इसके बाल कलर कर रही है। खैर इसके ऊपर क्या ही बोलना, मुझे तो हैरत हो रही है। अच्छा, इसने अभी ये जो बाल कलर की है ना, उसके वजह से लोगों ने इसकी खूब धुलाई की है, खूब पिटाई की है, इसको इतनी बातें सुनाई, इतना जलील की है इसको, जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसका ये जवाब देने के लिए आ गई कि मैंने तो बोली थी कि थोड़ा सी पीछे से कर दो, दो तीन बाल कर दो, ताकि मैं चोटी बांधूंगी तो उसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग आगे के भी कर देंगे, इतने सारे कर देंगे। मतलब के क्या क्या बोलना क्या चाहती है के पार्लर वाले बेवकूफ़ है। अरे भाई, उन लोग एक एक इसका पट्टे का है ना चार्ज करते हैं, ना कि उन लोग पूरा ये अपनी मर्जी से कर देंगे। जितना उन लोगों ने किए है ना, उसके अंदर दो दो तीन तीन पट्टे आते हैं, और एक पट्टे के अंदर एक आध इंच जितने बाल रहते हैं, मतलब चौड़ाई में वो एक पट्टे का अलग अलग चार्ज रहता है कि आप कितने पट्टे बनवाना चाहते हो, उसके हिसाब से लुक चार्ज करते हैं। अब इतनी जाहिल पार्लर में तो गई नहीं थी, इसने क्या बोली है कि उन लोगों ने ना मतलब खुद से ही कर दिए, उन लोगों ने बाल खराब कर दिए, मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने बताई नहीं तो उन लोगों ने इस तरह से कर दिए, इतने ज़्यादा कर दिए, और हमने कोई पैसा वगैरह भी नहीं दिए थे, नैना वहाँ पे प्रमोशन के लिए गई थी तो हमने जाके करवा लिए। मतलब कि तुम लोगों को हर चीज़ फ्री में चाहिए, हराम का खाने की आदत है, ये बात तू खुद बोल रही है, मैंने तो नहीं बोली। तो फिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि हम हराम का नहीं खाते हैं, हम फंड नहीं लेते हैं, हम लोगों को लूटते नहीं हैं। हाँ, फ्री में करवाने का था तो उसको बुलाए थे प्रमोशन के लिए, तो तू पहुंच गई और फ्री में करवा के आ गई, जबकि इसका हस्बैंड बोल रहा है कि 16,000 रुपये लोग लगा के आए हैं ये बाल के पीछे, और ये बोल रही है कि प्रमोशन था तो हमारा फ्री में करके दे दिए। ऐसे कहाँ होता है भाई, तो या तो मियाँ भी झूठ बोल रहा है या तो बीवी झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे मियाँ झूठ नहीं बोल रहा है, कैसे उसको कैसे पता चला कि 16,000 रुपये लगे, ये वहाँ पे गई होंगी तो उससे ही तो पैसे लेके गई होंगी ना, या उसको बोली होंगी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, उसे ऑनलाइन पे कर दो, या उसके लेके गई होंगी पूछ के कि मुझे 16,000 रुपये चाहिए, मेरे बाल के पीछे 16,000 रुपये लग रहे हैं, तो ही तो उसको पता चला ना कि 16,000 रुपये इसने अपने बालों के पीछे लगा के आई है। और डीडी ने अपने वीडियो में बोला है, मैं वो दोनों क्लिप, इसकी वाली वॉइस और डीडी वाली, दोनों मैं क्लिप लगा दूंगी, आप लोग जाके एस रिएक्शन के ऊपर देख लेना, क्लिप वाला जो चैनल है उसके ऊपर देख लेना आप लोग। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि एक मेहंदी वाली आई थी जो फ्री में लगाने वाली थी, जिसको लोग लूटने वाले थे, तो पूरा के पूरा घर बैठ गया था वहां पे लगाने के लिए, जिसको नहीं लगाना था वो भी बैठ गया था। तो अगर ये पार्लर वाली फ्री में करके देने वाली रहती ना, तो पूरा खानदान उठ के चला जाता। तो ये कोई फ्री उरी में नहीं करवाई है, इसने पैसा दे के करवाई है। और इस बात का प्रूफ है डीडी, जिसने बोला है कि इसने 16,000 रुपये लगा के आई है बालों के पीछे। वैसे तो ये सपने दिखा रही थी कि मैं तो उम्रा पे जाऊंगी, मेरे पास पैसे आएंगे तो, और कर क्या रही है, बालों को कलर कर रही है और फेशियल करवा रही है, नकली पलके लगवा रही है। और कहाँ तो लोगों ने शुरू में जब इसको सपोर्ट किए थे तो बोले थे ये नमाज पढ़ती है, ये अल्लाह की बातें करती है, ये तिलावत करती है। अब बताओ, ये पलके वगैरह लगाने से क्या नमाज जायज़ है, वजू हो जाता है। अब इसकी ये बातें, ये बातों के ऊपर थोड़ा सी गौर करते हैं कि इसने ध्यान नहीं दी, और उन लोगों ने ना पिंक कलर इसकी बेटी के बाल पे कर दिए, जो कि मुझे लगता है अभी पता नहीं
8 या 10 साल की होगी इसकी बेटी, ज्यादा बड़ी तो लगती नहीं है। हाँ ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 साल की होंगी। बच्चों की जो स्किन होती है, जो उनके हेयर होते हैं, वो ज्यादा इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनके ऊपर केमिकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और ये बेशरम बोल रही थी, नहीं, इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, एक दिन पहले बोल रही थी, और दूसरे दिन फिर जाके इसने बोली, नहीं मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल होता है कि नहीं होता है, तो सॉरी, हाँ मेरी गलती है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है, सभी को पता है, यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता होता है कि वो जो हाईलाइट रहती है ना, तो हाईलाइट हो या जो भी कलर हो, उसके अंदर केमिकल होता है, सिवाय मेहंदी के हर एक कलर में केमिकल होता ही होता है। और उसके बाद में ये मतलब इस तरह से जताने लगी कि हाँ होता है, मुझे नहीं पता था। तो भाई तेरे बच्चे तो इतना मेकअप भी करते हैं, मेकअप में भी केमिकल होता है, बच्चों को थोड़ा सी मतलब या तो अच्छी वाली चीजें यूज करवाओ, या तो फिर इन चीजों से थोड़ा सी दूर रखो। खैर बच्चे वो तो मेकअप के बिना तो मानते ही नहीं है, मेकअप को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये हाईलाइट करवाना और फिर इस तरह से पार्लर वाली पे ब्लेम डालना कि उसने कर दी, उसने पूछी नहीं, उसने देखी नहीं। तो एक बात बता दूं बीबी, के ब्लू, ग्रीन, येलो या पिंक, ये सब कलर करना होता है ना, तो पहले लोग हमारे कलर का पूरा जो ब्लैक कलर है पहले वो उतारते हैं, उसके बाद में कलर वाला जो जैसे रेड, ब्लैक, दूसरा जो ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर होता है, बाद में ये कलर चढ़ाते हैं। ये कलर डायरेक्ट ब्लैक बालों पे नहीं लगता है, पहले हमारे ब्लैक बालों का कलर उतारते हैं लोग, पूरा व्हाइट के जैसा कर देते हैं, हल्का गोल्डन करते हैं, उसके बाद में ये सारे कलर चढ़ाते हैं, तो जाके ये सब कलर होता है। तो अगर के जिसको इस तरह के कलर नहीं करने होते थे, अगर तेरे को नहीं करवाना था अपनी बेटी का इस तरह से, तो जब उसने तेरी बेटी का ब्लैक कलर उतारी थी वो टाइम पे, तू आंखें बंद करके तो नहीं बैठी थी, या तू मरी हुई तो नहीं पड़ी थी, तो तू बता सकती थी, तू बोल सकती थी कि इतने सारे बाल तुम लोगों ने जो लिए हैं और सामने के खास करके, तो मुझे नहीं करवाना है। अगर ये वहां पे ना बोल देती केमिकल, तो वैसे ही ये चढ़वा ही रही थी अपनी बेटी के बाल पे, तो उन लोग क्या करते ना, उसको ब्लैक कलर कर देते, जिससे वो इस तरह की कार्टून नहीं बनती। समझ आई? ये इसको लग रहा है ना, दुनिया में सब के सब बेवकूफ बैठे हुए हैं, जैसे भी हम चू बनाएंगे ना, तो लोग चू बन जाएंगे। तो बीबी वो कलर के ऊपर तुम ब्लैक कलर चढ़वा सकती थी और अभी भी कर सकती हो। तुम अगर अपनी बेटी को पार्लर लेके जाओगी ना, तो ये कलर है ना एकदम पक्का वाला नहीं होता, ये थोड़े दिन में आहिस्ते आहिस्ते करके उतरने लगता है। तो लोग अभी भी तुम्हारी बेटी के ऊपर है ना वही वाला कलर करके इसके ऊपर ब्लैक कलर चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो मौका चाहिए छिछोरापना करने का, है ना? बहुत पैसे आ गए यही सब छिछोरेपने के लिए, तो तुमने रोना धोना किए थे, है ना? अपने घरों की इज्जत को लेकर आए थे वाईटी पे नीलाम करने के लिए, ताकि लोग तुम्हें सपोर्ट करें, उसके बाद में तुम लोग छोटे छोटे बच्चों के ऊपर 15-15 हजार रुपए लगा के इस तरह की अय्याशियां कर सको। तो है ना, चू तो तू किसी और को बना, के पहली बात तूने फ्री में करवाई है, दूसरी बात के उन लोगों ने कर दी और तुझे पता नहीं चला, और फिर मैंने उनको पैसे भी नहीं दी, झूठी कहीं की, कितनी झूठी है, बाप रे बाप। और लोग पता नहीं इसको सपोर्ट कर रहे थे, समझ के बाहर है भाई, इनकी सपोर्ट का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। और एक बात बताओ, ये बोल रही थी कि मैंने तो कभी नहीं की, मेरा तो सपना था कि मैं कभी करवाऊंगी, लेकिन फिर मुझे नहीं करवाना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई, मैंने क्यों करवाई, ये सारी बंकस भी इसने कर ली। तो बीबी अगर तुझे इस चीज़ की तकलीफ है ना कि तूने क्यों करवाई, तो अभी भी तू वो पार्लर में जाएंगी ना, तो वो तुझे ब्लैक कलर, जो भी तेरे बालों का कलर है ना, वो चढ़ा के दे देंगे। तो यहाँ पे है ना ये सब बोल के लोगों को बेवकूफ मत बना, और शर्म आनी चाहिए तुझे, जो तूने बोली ना कि मैं मेरी बेटी का थोड़ा सी करवाना चाहती थी ताकि वो चोटी में आए, तो कौन से जाहिल स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़े हैं जहाँ पे ये सब अलाउड करते हैं? बल्कि हमारे यहाँ अगर हो ना, भले ही वो कितनी भी छोटी स्कूल हो, फौरन बच्चे को हाथ पकड़ के माँ बाप के हाथ में दे देंगे कि तुमको अगर मॉडल उडल बनाना है ना, तो फिर यहाँ से ले जाओ तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे एक बच्चे की वजह से हमारे सब बच्चे बिगड़ेंगे, ऐसे बोल के ना उंगली पकड़ा देंगे माँ बाप के हाथ में। इनके पता नहीं कौन से स्कूल है जो ये सब अय्याशियाँ, ये सब गंदगियाँ को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और ऊपर से ये ब्लॉगर है भाई,
और ये इतने खुद बोली थी ना कि मेरी जो बच्चों की टीचर है वो हमारे ऊपर बड़ा तरस खाई है, उसको पता चला, उसने मेरा वीडियो देखी तो उसको बहुत रोना आया कि तुम्हारे साथ में दीदी ने बहुत गलत किया है, तो तुम्हारी टीचर है ये देख रही नहीं होगी वीडियो कि तुम्हारे पास पैसे क्या आ गए, तो तुम लोग तो अय्याश हो गए हो, घटिया तरीन हो गए हो। और मदद करो भाई, और सपोर्ट करो इनको, जिनको सपोर्ट करना चाहिए उनको सपोर्ट नहीं करा जाता है, यहाँ पे ऐसी अय्याश औरतों को सपोर्ट किया जाता है। वही बात है ना यार कि आजकल का जमाने में ना यही चला है, झूठे का बोल बाला सच्चे का मुंह काला, ये चल रहा है आजकल। जो सच्चा है ना उसके ऊपर लोग यकीन नहीं करते हैं, जिनको मदद करना चाहिए उनको मदद नहीं करते हैं, और ऐसे फेक लोगों को मदद करते हैं, ऐसे क्रिमिनल लोगों को मदद करते हैं, ऐसे अय्याश लोगों को मदद करते हैं कि हाँ तुम आगे बढ़ो और अय्याशी करो। और एक बात आप लोग मेरी याद रखना कि कुछ टाइम में ही ये फातिमा भी अपना फेस रिवील करेंगी, ये जिस तरह से अपना मेकओवर करवा रही है ना, अपना जो नहीं दिखा सकती है उस चेहरे को ना ये दिखाने वाला बना के और फिर अपना पूरा मेकओवर करा के ये फेस रिवील करेंगी। इसके फेस रिवील के नहीं दिखाती ये फेस, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये थोड़ी सी बड़ी दिखती है और डीडी को आती है इससे शर्म, इसके लिए वो इसका फेस रिवील नहीं करता है, ना कि इसलिए नहीं करता है कि वो अपने घर की इज्जत समझता है। तो ये अपना मेकओवर कर लेंगी, इसके बाद में ये अपना फेस रिवील करेंगी और फिर बोलेंगी ये कि डीडी तो खूबसूरती के वजह से उसके पास चला गया, तो मैंने सोची मैं भी खूबसूरत हो जाऊं, मैं भी अपने ख्याल रखूं, मैं भी अपने लिए कुछ करूं ताकि डीडी मेरे से भी प्यार करे, मेरे पीछे भी दीवाना रहे। ऑडियंस बोलेंगी हाँ हाँ बीबी बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम लोग बहुत खुश है तेरे इस फैसले से। देख लेना आप लोग, आने वाले दिनों में ये सारा कुछ होने वाला है। और डीडी बिल्कुल भी शर्माता नहीं है, वो बहुत बेशर्म और गिरा हुआ आदमी है, वो अपने घर की इज्जत को नुमाइशे उनकी नुमाइश करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, बस पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आएगा ना तो वो फिर अच्छे से नुमाइश करेगा, अपने घर की इज्जत हो या कुछ भी हो बेच डालेगा वो, पैसे के लिए लोग कितना भी गिर सकते हैं। अरे भाई जो लोग पैसे के लिए अपनी बीवियों को बड़े बड़े लोगों के पास में जाके छोड़ के आते हैं, अपनी बहनों को ड्रॉप करके आते हैं, अपनी खालाओं को ड्रॉप करके आते हैं, अपनी बीवियों को आइडिया बना बना के देते हैं कि जाओ वहाँ पे वीडियो कॉल कर लो तो वहाँ पे कर लो, तो इनसे क्या ही उम्मीद रखे कि फेस रिवील के लिए लोग पीछे हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आने वाले दिनों में ये दूसरी पिटारा बनेंगी, और आप लोग देखना ये सारी बातें मेरी सच्ची होती है कि नहीं। ये अपना फेस रिवील भी करेंगी और गंद भी ये खूब मचाने वाली है। जैसे जैसे पिटारा आगे बढ़ी है ना, ये उन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए ना उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ी है, और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना मेरी कि ये सारी चीज़ें पूरी जरूर होगी। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।